भारत गौरव राष्ट्र संत आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव इनके 53वें अवतरण दिवस के उपलक्ष में अभामूलक जन चेतन मंच मंडल शाखा और राष्ट्रीय जैन महिला जागृति मंच की ओर से भव्य निःशुल्क रक्तदान शिविर एवं हार्ट चेकर शिविर का आयोजन किया गया। संत राष्ट्रीय संत आचार्य पुलक सागर जी महाराज जी जो अभी बॉम्बे में विराजमान है, संपूर्ण भारत में राष्ट्रीय जैन महिला जागृति मंच, अखिल भारतीय पुलक जन चेतना मंच, आज का जैसे आयोजन नागपुर में ये चल रहा है, ऐसा ही आयोजन आज संपूर्ण भारत में चल रहे हैं। आयोजन का जो पर्व है वो है पुलक पर्व। पुलक पर्व एक ऐसा पर्व है जो 3 दिन हम लोग मनाते हैं। आज 10 तारीख है, 10 मई, कल 11 मई है और कुछ जगह 9 मई। तो 11 मई को आचार्य पुलक सागर महाराज जी का 53वां अवतरण दिवस है। तो गुरुदेव का जन्मदिन है तो हम लोग कभी भी उसको नॉर्मल जैसे ह्यूमन बीइंग का बर्थडे मनाते हैं वैसे नहीं सेलिब्रेट किया जाता है, ये एक समाज सेवा के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये हम सबका पर्व है, हम सबका उत्सव है। इस उत्सव में आज यहाँ पर इंद्र भवन के अंदर राष्ट्रीय जैन महिला जागृति मंच गांधीबाग शाखा महल शाखा अखिल भारतीय पुलक जन चेतना मंच महल शाखा के द्वारा ये आयोजित यहाँ पर आज निःशुल्क हेल्थ चेकअप कैंप प्लेटनिया हार्ट हॉस्पिटल के साथ, जिसमें हृदय रोग पर चेकअप किया जा रहा है, लाइफ लॉन्ग ब्लड बैंक के साथ में आज यहाँ पर ब्लड डोनेशन किया जा रहा है। यह एक समाज सेवा अपने आप में एक अद्वितीय है, क्योंकि जब हम ब्लड डोनेशन करते हैं तो किसी की जान हम बचा सकते हैं। और हृदय रोग का भी वैसा ही होता है कि जब हम ब्लड शुगर ब्लड प्रेशर चेक करते हैं और उसमें यदि कोई प्रॉब्लम निकलती है तो हम ECG करते हैं, और ECG करते हैं तो हम ये तो जान जाते हैं, एक प्रिवेंटिव चेकअप हो जाता है कि हमारे पेशेंट को कार्डिक कोई इशू है कि नहीं है। तो एक बहुत हेल्पफुल होता है जिससे हम काफ़ी लोगों की काफ़ी परिवार को प्रिवेंटिव ही उनकी सुरक्षा कर सकते हैं, उनकी जान को बचा सकते हैं। उसी के साथ हमारे गुरुदेव का एक आशीर्वाद है सभी मंदिर में, जो हमारे मंदिर के माली काम करते हैं, जो मंदिर के द्वार को सबसे पहले खोलते हैं और सालों साल मंदिरों में अपनी सेवा देते हैं, पूजन की द्रव तैयार करते हैं, मंदिरों का काफ़ी ध्यान रखते हैं, सुबह से शाम तक उनकी सेवाएं मिलती हैं। तो आज समस्त भारत देश का पुलक मंच परिवार आज यहां पर गेहूं का वितरण करता है, और गेहूं 1-2 किलो नहीं देते, हमारी भावना रहती है कि 1 कट्ठा गेहूं उन परिवार को दिया जाए जिससे कि 1 महीने तक वो गेहूं से वो अपने परिवार के साथ वो गेहूं का अनाज का सेवन कर सकें। तो ये प्रसादी होती है गुरुदेव के आशीर्वाद के साथ। तो आज यह आयोजन का यहाँ पर कर रहे हैं और BCN टीम ने यहाँ अपना आज सहयोग दिया, मैं उनको भी दिल से धन्यवाद देती हूँ और आप सभी विदर्भवासियों को सादर जय जिनेंद्र।